आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मित्रों, आप सभी को हमारा प्रणाम। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ महोदय, जो लोग अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं उन लोगों को देशभक्त कहा जाता है। अपनी मातृभूमि से हमें जीवन मिला, इसकी गोद में पलकर हम बड़े हुए, इसी से मान सम्मान मिला, तो इसी से होठों की हंसी मिली, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बड़े होकर तन मन और धन से इसकी सेवा करें। जी हाँ, इसी भावना को दर्शाते हुए प्रस्तुत है एक छोटा सा नाटक। अरे भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे सुनो सुनो, जानते हो हमारे बेटे ने आईटी में टॉप किया है, पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तुम घर आए हो, जाओ मिठाइयां लाओ, ढोल बजवाओ। अरे भाग्यवान, क्या हुआ, क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? बेटा इंजीनियर बन गया ये तो मुझे भी पता है, परंतु मुझे तो खुशी की बजाय दुख ज्यादा हो रहा है। ओहो, तुम्हारे तो पति मार गए, इसमें दुख की बात क्या है? अरे भाई, तुम तो जानती हो ना, उसको अमेरिका से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को ऑफर आया है, उसका जाना तो तय है। ऐसा अवसर भला कौन छोड़ता है, हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। ये लो आ गया, बड़ी लंबी उम्र है इसकी। मॉम डैड, आपको खुशखबरी तो मिल ही गई होगी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। ये लीजिए मिठाई, खाइए। सीता, ये चुटकी तू भी खा ले। अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ, तेरे डैड के लिए पानी लाए। डैड, मेरे अमेरिका जाने की तैयारी कर दो, 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, सारे दरिद्र दूर कर दूंगा घर के। अरे डैड, आप उदास क्यों हो? क्या मेरी कामयाबी से आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूँ, परंतु तुम्हारे अमेरिका जाने से दुखी हो रहा हूँ, मुझे वहाँ तुम्हारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। डैड, आप समझ नहीं रहे, IIT में पढ़ाई करना, टॉप करना कोई मामूली बात है क्या? ये मेरा सपना था, इंजीनियर बनके अमेरिका जाऊं और खूब धन कमाऊं। बेटा, तेरी नानी सही ही तो कह रहे हैं, अगर तुम चला जाएगा तो हम सब का क्या होगा? तू ना एक काम कर, तू यही रहकर कोई अच्छी नौकरी कर ले। माँ, तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो, यहाँ रखा ही क्या है, कहाँ करोड़ों की नौकरी और यहाँ तो लाख का भी भरोसा नहीं। भैया यहाँ रहेगा तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ भैया जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मैं ट्यूशन चलती हूँ, मुझे बड़े होकर अमेरिका भी तो जाना है। अब इन बच्चों को भला कौन समझाए कि हमारा देश क्या है। दादी माँ प्रणाम। चुप चुप जी। दादी प्रणाम। और बताओ मित्र, तुम कैसे हो? अरे भाई, आज तुम्हें इस गौरव को बधाई देने चला आया, IIT टॉपर जो बन चुका है। और बताओ मित्र, आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है तुमने? अरे सोचना क्या है, मैं तो जा रहा हूँ US, बड़ा पैकेज मिल रहा है। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम क्या करिश्मा करने जा रहे हो? अरे भाई, मैं तो अपने ही देश की सेवा करना चाहता हूँ, पापा के सहयोग से एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोलूंगा जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। अरे क्या तुमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं सुनी? वो तो कहते हैं कि हमारे नौजवानों को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मैं तो वो ही करने जा रहा हूँ। अरे फालतू की बातें हैं सब, इन सब से भला कुछ होने वाला है? अरे फालतू की बातें कैसे, अब तुम ही बताओ, अगर देश के युग के छात्र बाहर का मोह छोड़कर अपनी प्रतिभा को देश के विकास में लगाएंगे तो इस देश की उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा गौरव, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। क्या IIT टॉपर? आइंदा सदमा लगे मेरे बच्चे तो। दादी माँ, मेरी अमेरिका में जॉब पक्की हो गई है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद आप सभी को भी वहाँ बुला लूंगा। ना भाई ना,
कर्जा? कैसा कर्जा दादी माँ? मैंने तो किसी से कोई उधार नहीं लिया, और अगर लिया भी होगा तो पैसे भेज दूंगा दादी माँ, सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बेटा, हर चीज को पैसे से तोड़ा नहीं जाता। ये प्राण जो तुझे तेरे माता पिता से मिले हैं, और ये ज्ञान जो तुझे तेरे गुरुजनों से मिला है, उनका कर्ज तो तू प्राण देकर भी नहीं चुका सकता, केवल सेवा और त्याग से ही चुका सकता है। जो अन्न खाकर तू बड़ा हुआ, जिस धरती का जल पीकर तू जिया, उस मातृभूमि का कर्ज कैसे चुकाएगा? आज सब तेरे लिए है, तुम सबने इस भारत माता ने अपना सब कुछ देकर तुझे निहाल कर दिया, और आज जब उनकी सेवा करने का अवसर आया तो तू अपना देश छोड़कर दूसरे देश जा रहा है। हाँ माँ, तुम मेरे को ठीक कह रही हो। दादी माँ, आप कहना क्या चाहती हो? जिस तरह डैड ने सेना में रह के अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, उस तरह क्या भैया भी कर दें? बेटा, मैंने सेना में नौकरी करके अपने देश का नाम ऊंचा किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, और मुझे इस पर बहुत गर्व है। बेटा, तेरे डैडी सच्ची तो कह रहे हैं, अगर आज हर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक केवल पैसों के लालच में अपने देश को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले जाएंगे, तो इस देश की सेवा कौन करेगा? सारी फालतू की बातें हैं। बेटा, मैंने तुझे बचपन में शहीद भगत सिंह, दादी माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। दादी माँ, मैं ये कैसे भूल गया कि इस कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने दिन रात जनता की सेवा की, कईयों ने तो अपने प्राण भी त्याग दिए। हे भगवान, मुझसे ये कैसी भूल हो गई? मैं ये कैसे भूल गया कि सेवा और परोपकार ही मेरे देश की पहचान है। दादी माँ, दादी माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं देश का एक सच्चा देशभक्त बनकर दिखाऊंगा और भारत माता का कर्ज अदा करूंगा। हे मातृभूमि, तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। कर दूंगा मैं सर्वस्व अर्पण, कर दूंगा मैं सर्वस्व अर्पण, हे मातृभूमि तेरी विश्व में विजय हो, हे मातृभूमि तेरी विश्व में विजय हो। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, फल खाए इस वृक्ष के बीठन की ने पात, अब उड़ने का धन नहीं, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। जी हाँ मित्रों, एक पक्षी भी एक वृक्ष के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं प्रेम को समझता है, उस पेड़ पर आग लगने पर भी उसे नहीं छोड़ता। तो हम तो भारतवासी हैं, हम अपने ही देश को, अपनी ही मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? महोदय, हमने झंडे बहुत देखे, हमने झंडे बहुत देखे, उनमें तिरंगा सबसे न्यारा, सबसे प्यारा है, सारे जहां से अच्छा,